नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एमजीएम अस्पताल में तामझाम के साथ हुआ सांसद निधि से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन। कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रशासन ने जब्त किया माइक सेट। झारखंड आंदोलनकारी हत्याकांड सहित दो मामलों में 8 गिरफ्तार। देसी पिस्तौल, चाकू और गाड़ियां जब्त। और जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा, देश के विकास पर सभी को देना होगा ध्यान। अब खबरें विस्तार से। एमजीएम अस्पताल परिसर में करीब 2 लाख रुपए की लागत से सांसद कोष से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन आज जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने पूरे तामझाम के साथ किया। अस्पताल में भर्ती रोगियों से बेखबर आयोजकों ने जहां मरांडी के स्वागत में जमकर डंका बजवाए, वहीं अस्पताल परिसर में करीब 1 घंटे तक लाउड स्पीकर की आवाजें गूंजती रही। इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई तो हुई, लेकिन तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। अस्पताल परिसर में डंका और लाउड स्पीकर बजाए जाने से अस्पताल प्रबंधन भी बेखबर रहा। यहां तक कि अधीक्षक डॉक्टर एसएस प्रसाद खुद कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ वहां मौजूद थे, बल्कि लाउड स्पीकर पर अस्पताल की कमियों का जिक्र करते हुए सांसद का बखान करते दिखे। हालांकि बाद में अधीक्षक ने भूल स्वीकार करते हुए पूरा ठिकरा आयोजकों पर फोड़ा। ये है सो इसके लिए तो यदि डंके की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सामूहिक रूप से है सो लोगों का आगमन हो गया विदाउट है सो अब इनॉग्रेशन होना था। ये जो बनाए हैं सेट जो बना है उस सेट को है सो इनॉग्रेट करना था और यही है सो इनॉग्रेट करने में डंके की जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर इस तरह के उनके आने के पहले से डंका करीब नहीं, नहीं, आधे घंटे पहले से डंका बज रही थी काफी जोर जोर से। काफी मरीजों ने भी इसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसके बगल में लाउड स्पीकर दिया है, बगल में बच्चे का क्लिनिक है, वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा हुआ। नहीं, ये सब चीज ठीक है नहीं, लेकिन अब जो प्रबंधकर्ता है वो प्रबंधकर्ता उस ढंग से प्रबंध कर करके यदि लाउड स्पीकर की आवाज हम लोगों ने एहतियात भी कर दिया था कि बहुत कम आवाज में है सो होना चाहिए ये, और उसका है पूरा ध्यान भी रखा गया कि आवाज़ है सो उसकी इतने दूर तक न जाए। नहीं, ये उचित नहीं था, यदि यहाँ तक आया है तो गलत हुआ है। वहीं इस दौरान मौजूद सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने राज्य सरकार की नाकामी का जिक्र करते हुए कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए दवाइयां नहीं है, चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी और शिक्षक का राज्य में घोर अभाव है। इस ओर मुंडा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। डंका और लाउड स्पीकर बजने पर प्रशासन हाय तौबा मचा रहा है। कहना कि यार मान लीजिए लाउड स्पीकर था तो एक चीज है कि छोटा सा लाउड स्पीकर थोड़ा सा अगर किसी को डिस्टर्बेंस हुआ तो इसके लिए अफसोस। बंद कर ही रखा था। नहीं, एक मिनट, दूसरी बात है कि लाउड स्पीकर एक चीज है, मनीष जी हाथ जोड़ते लाउड स्पीकर समस्या है, लेकिन जो झारखंड सरकार ने इसको इस हॉस्पिटल को मरने के लिए पेशेंट के लिए बनाया उसके लिए पहले लिखी है। लाउड स्पीकर तो आखिरी में है, पहले तो दवाई नहीं है, दीवार नहीं है, टॉयलेट नहीं है, उसके बाद अच्छा पहले तो दूध के दूध पानी का पानी, पहले मुख्यमंत्री को दोषी ठहराइए सब पर पेशेंट का मरने के लिए, फिर लाउड स्पीकर पर मेरे ऊपर कार्रवाई करें। मरांडी जी का आने के पहले पहले तो दवाई पेशेंट मरा है। देखो एक चीज, पहले तो अर्जुन मुंडा जी पर कार्रवाई कीजिए, जितने दवाई नहीं है, घोटाला है, बिल्डिंग टूट रहा है, पहले उसके ऊपर आखिरी में है। ऐसा हुआ ना कि पेशेंट को कैंसर का बीमारी था और दांत में भी दर्द था। अब दांत के ऊपर फोकस मत कीजिए ना, जो कैंसर है तो कैंसर क्या है कि झारखंड का स्वास्थ्य सिस्टम के ऊपर। सामुदायिक भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 तक झारखंड के अस्पतालों में मरीज दवा और भोजन के अभाव में कराहते थे। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जब उन्होंने सत्ता संभाली तो भोजन और दवा मद में राशि का आवंटन बढ़ाया, वही व्यवस्था आज भी यहां के सरकारी अस्पतालों में कायम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार से राज्य की जनता को अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोग बताते हैं कोई बेहतर नहीं, और इसलिए मुझे लगा क्योंकि मैं हॉस्पिटल के परिसर में हूं
तो मुझे लगा कि भाई अगर झारखंड के लोग बीमार होकर के कैंसर से पीड़ित जब मुंबई में लोग जाते हैं टाटा के हॉस्पिटल में इलाज के लिए, तो मैं टाटा घरानों से अनुरोध करूंगा जो जमशेदपुर में करे और झारखंड के लोग नहीं जाए बल्कि देश से कम टाटा लोग आवे और ये झारखंड का सिर्फ स्टील में नहीं बाकी क्षेत्र में भी काम करे। तो मैं ये टाटा घरानों से भी अपील करूंगा यहाँ से और सरकार से भी, और हम सब लोग मिलकर के एक सुंदर और बेहतर झारखंड बनाने की दिशा में हम सब लोग संकल्प ले तो निश्चित रूप से। इस दौरान आग से जला राजा खान नामक एक रोगी बाबूलाल मरांडी से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाया। पैसा कौड़ी भी नहीं है, डॉक्टर अजय कुमार जो आए थे ना 1000 रुपया दिए थे, बोला तेरा घर वाला को भेजो सब इलाज, मेरा घर वाला कोई जा रहा नहीं यार, कोई वहाँ जाएगा नहीं चेकिंग में वार्ड वार्ड, तो हमको चल के आना पड़ेगा। मरांडी दिया है बोले कि सब कुछ होगा तेरा, देखिए क्या होता है, क्या लग रहा है कुछ दिन से पड़े हो, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो अब इनके बोलने से क्या होगा? इनका बोलने से यही होगा कि देखिए अगर इलाज हो जाता है इनका हाथ पर जोड़ के तो मेरा बहुत है, हम तो चाहते कि टीएमएच में हमको भर्ती किया जाए, कहीं यहाँ मेरा कुछ इलाज नहीं हो रहा, टीएमएच में रहेंगे तो बहुत जल्दी ऑपरेशन करके मेरा पाँव सीधा किया जाएगा। उम्मीद क्या लग रहा है आपको, हो पाएगा नेताओं के बोलने से? अब देखिए यहाँ पर इधर दो तल्ला सर्जरी वार्ड। जिला पुलिस ने पिछले दिनों गालूडी थाना क्षेत्र में डांगा पहाड़पुर गांव के पास झारखंड आंदोलनकारी सिंधुराम मुर्मू नामक व्यक्ति की हुई हत्या मामले का खुलासा करते हुए जहां 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं डिबना रोड पर लूट की योजना बनाते 5 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 2 देसी पिस्तौल, 3 15 बोर के 4 जिंदा कारतूस, 2 आरी ब्लेड, 4 चाकू, मोबाइल और 1 टाटा सुमो और 407 ट्रक जब्त किए गए हैं। सिद्धूराम मुर्मू हत्याकांड में गिरफ्तार लोगों के नाम नितेश कुमार सिंह, सुखदेव गोप और कन्हाई दुबे बताए जाते हैं। एसएसपी अखिलेश झा ने कहा कि सिद्धूराम मुर्मू की हत्या रट से मारकर की गई है, हत्या में नितेश और सुखदेव शामिल थे। व्यक्ति सिद्धूराम मुर्मू की हत्या की गई थी, उस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। इस कांड को मुख्य रूप से 2 अभियुक्त नितेश कुमार सिंह एवं सुखदेव गोप ने मिलकर के किया था। नितेश कुमार सिंह कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उसको लगा था कि कुछ उसको पैसे मिलेंगे तो अप्लाई कर सकता है, उसको देखते हुए इसने एक कन्हाई दुबे नाम के व्यक्ति से बात किया और पूछा कि यदि हम मोटरसाइकिल या और सामान देंगे तो उसको खरीद लोगे, तो बोला हाँ 10,000 से ज़्यादा हम उसमें पैसे मिल जाएंगे। इसी चीज़ को देखते हुए सिद्धूराम मुर्मू को उसने रॉड से हत्या कर दी, लोहे के रॉड से मारकर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके मोटरसाइकिल एवं उसके मोबाइल से एवं अन्य सामान को ले लिया। नितेश कुमार सिंह के पास से हम लोगों को जो सिद्धूराम मुर्मू का मोबाइल था उसका सिम बरामद हुआ है। उसके बयान पर हम लोगों ने कन्हाई दुबे के पास से जो सिद्धूराम मुर्मू का मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया है। जो हथियार था लोहे का रड, उसको भी बरामद कर लिया है, उसमें भी खून लगा हुआ है। इसके अलावा 3 अभियुक्त नितेश कुमार सिंह, सुखदेव गोप एवं कन्हाई दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य बिंदुओं पर हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। वहीं लूट की योजना बनाते गिरफ्तार 5 लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि इन लोगों की योजना एनएच पर वाहनों को लूटने की थी। गिरफ्तार लोगों में कुछ पूर्व में जेल जा चुके हैं। मानगो थाना से संबंधित है। थाना प्रभारी एवं अन्य थाना प्रभारी को ये सूचना मिली कि डिमना रोड के करीब में कुछ अपराधकर्मी एकत्रित हुए हैं और रोड पर कहीं पर कोई लूटपाट की घटना को अंजाम देने। उस सूचना के सत्यापन पर जब वहां पर गए तो 2 गाड़ी, 1 सुमो एवं 1 407 गाड़ी पे कुल मिलाकर के 5 अपराधकर्मी थे। शेख काला, परवीन कुमार सिंह, मोहम्मद नौसाद, मोहम्मद शमसाद एवं संतोष साहू, इन 5ों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से 2 देसी कट्टा, 315 बोर की 4 गोली, 2 आरी ब्लेड, 4 चाकू, मोबाइल्स, 1 टाटा सुमो वाहन एवं 1 टाटा 407 बरामद किया गया। इन लोगों के 2 अन्य दोस्त हैं, एक हैं शेख काला और संतोष साहू, दो अन्य लोग हैं जिसको ये लोग बेचते थे। इसके अलावा ये कई बार पूर्व में भी इस तरह की घटना कारित कर चुके हैं और जो फैक्ट्री होती है उसमें जाकर के लूटपाट करते हैं और उस सारा सामान को ले जाकर कहीं दूसरे जगह बेच देते हैं। हम लोगों ने इनको गिरफ्तार करके एक घटना जो घट सकती थी और हो सकती थी कि एक बड़ी घटना घट सकती थी उसको हम लोगों ने बचाया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल सामाजिक उत्थान एवं शोध संस्थान की ओर से आज तुलसी भवन में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश के विकास पर सभी को ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष की प्रासंगिकता बढ़ गई है। आजादी के बाद देश ने काफी तरक्की की है, लेकिन हाल के दिनों में भ्रष्टाचार के जो मामले उजागर हुए हैं, इससे देश की साख पर प्रभाव पड़ा है। देश को बचाने और इसके विकास के लिए समाज को आगे आना होगा। परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के वार्षिक समारोह के तहत आज स्कूली बच्चों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। समिति के अध्यक्ष सरोज कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसके विजेताओं को बहुत जल्द कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा, साथ ही समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अगले माह रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग वार्षिक समारोह मनाते हैं, उसी के संदर्भ में आज हम लोग बच्चों का आयोजन, जिसमें चित्रांकन, मेहरी का आसन, कई एक तरह का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। इसमें हरेक में अलग अलग से जज लोग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया जाएगा। ये हम लोग जिस दिन समारोह होगा, समारोह के समय में ये हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। राष्ट्रीय असंगठित चालक सहकर्मी यूनियन का एक बैठक टाटा नगर रेलवे पार्किंग में हुई, जिसमें प्रीपेड सिस्टम लागू करने एवं टेम्पो के लिए अस्थायी स्टैंड बनाने पर जोर दिया गया। असंगठित चालक परिवहन कर्मी यूनियन की इकाई टाटा नगर रेलवे स्टैंड ऑटो चालक जो संघ है, उनकी बैठक रखी गई है। बैठक में मुख्य बिंदु यह है कि बाकी महानगरों की तर्ज पर जमशेदपुर में भी प्रीपेड सिस्टम लागू हो, ताकि यात्री और चालक के बीच सामंजस्य बने रहे। और चालकों का बहुत पुराना डिमांड है, बहुत पुराना ये मांग है कि हम लोगों को रेलवे पार्किंग स्टैंड में अस्थाई स्टैंड मिले। हम लोगों को ठेकेदार के माध्यम से हर बार जो राजस्व छुपाना पड़ता है, इससे कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। आए दिन रोज मारपीट और दूसरे घटनाक्रम सुनने मिल रहा है। इसको लेकर के आज हम लोग ये तय करने के लिए बैठे हैं कि आने वाले समय में रेलवे के पास ये मांग रखेंगे कि ऑटो स्टैंड का एक अस्थायी स्टैंड, पार्किंग स्टैंड।